सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कुर्नी प्रखंड के दरियापुर कफेन पंचायत में बूथ संख्या 48 एवं 49 पर गड़बड़ी को लेकर निर्वाचन आयोग से पुनः मतदान कराने की मांग को लेकर आवेदन दिया गया है। कुर्नी प्रखंड के दरियापुर कफेन पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार रेणु देवी के पति सत्येंद्र चौधरी ने बताया कि बूथ संख्या 48 एवं 49 पर स्थानीय उम्मीदवार अनिता देवी के पति महेश राय के द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के मिलीभगत से चुनाव में काफी धांधली की गई तथा स्थानीय उम्मीदवार के द्वारा अन्य उम्मीदवारों के मतदान अभिकर्ताओं को भगा दिया गया। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुशंसित बायोमेट्रिक मशीन को नजरअंदाज करके पीठासीन पदाधिकारी को मेल में रखकर लगभग दोनों बूथों पर 92% से अधिक मतदान करवाया गया, जो कि जांच का विषय है। क्षेत्र के मतदाताओं ने मांग किया कि इन दोनों बूथों पर पुनः मतदान कराया जाए। देखना होगा कि चुनाव आयोग द्वारा इस मामले की जाँच कर क्या कदम उठाती है। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। प्रत्याशी रेणु देवी, पति सत्येंद्र चौधरी, ग्राम दरियापुर का फेन राज 4, मुखिया प्रत्याशी, मैदापुर बूथ संख्या 48-49 पर वार्ड नंबर 1-2 पर मैंने बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग नहीं किया गया और वहाँ के अफसर जो है मिली भगत से 92% शाम 5 बजे तक बोलिंग करा चुके थे, समझे। हमारा प्रत्याशी वहाँ देखने गया, जांच करने गया तो उसको उतरने नहीं दिया गया। मेरा कोई पोलिंग एजेंट भी वहाँ नहीं, मैंने बहाल को मैंने रहने दिया, सबको गाली गलौज करके मारपीट के बिलगा दिया, समझे। यही सब बात। किस पे आरोप लगा रहे हैं आप? मैं प्रत्याशी अनिता देवी, मुखिया प्रत्याशी पति महेश राय, चुनाव निर्वाचन आयोग को कह रहे हैं, जिला मुजफ्फरपुर डीएम को भी बोल रहे हैं, डीएम साहब को जांच का विषय है, इसको जांच किया जाए। गड़बड़ी का आरोप किस पे? आप प्रतिद्वंदी पे आरोप लगा रहे हैं, पदाधिकारी पे लगा रहे हैं? प्रतिद्वंदी या पदाधिकारी दोनों पर। पदाधिकारी के मिल के ही शाम 5 बजे तक 92% पोलिंग हो चुका है। वहाँ जितने प्रत्याशी थे सब मैंने प्रत्याशी से मिले हुए थे, जितने अफसर सरकारी अफसर थे। किसी अधिकारी की आपने शिकायत किया अभी तक? अभी तक हम किया डीएम साहब को भेजे, उसका चुनाव आयोग मेल किए सब जगह। क्या चाह रहे हैं अभी आप? इसको जब मैंने जांच किया जाए, इसको रिपोल किया जाए, रिकाउंटिंग रिपोल किया जाए। नाम बताइए उसमें। अपना जी सत्येंद्र चौधरी को टुनटुन भाई, पंचायत राज दरियापुर का फैन चार। सुधाकर कुमार जो कि कुडन्नी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज दरियापुर कफेन के पंचायत के मैं एक वोट करता हूं, जो कि यहां पर ग्राम पंचायत राज दरियापुर कफेन में 48 और 49 नंबर क्षेत्र संख्या पर 1-2 वार्ड नंबर, जो कि वहां पर बहुत गड़बड़ी वोट का हम लोग को सूचना मिला। हम लोग ने सारा आदमी हम यहां पर इकट्ठा हुए, इस पे हम लोग सोच विचार किए कि इस पर कुछ बड़े पदाधिकारी और हमारे चुनाव आयोग जी को ये सूचना किसी तरह माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से हम लोग ने पहुंचाया है। और उन लोगों से आग्रह है कि जो कि जो गड़बड़ी 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड पे जो गड़बड़ी हुई है, आज तक ने हम लोगों ने जो भी मेरा उम्र है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है या फिर जो भी बुजुर्ग लोगों का एक्सपीरियंस है, उन लोगों का कहना है कि आज तक जो भी वोटिंग हुआ है, आज तक कहीं भी जो है 90% और 93% वोटिंग नहीं हुई है, जो कि 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड पे 90% और 92% वोटिंग की वहाँ पे सूचना मिली है, जो कि बहुत ही हमारे यहाँ ये चीज़ होना नहीं चाहिए था। लोकतंत्र का एकदम गला घोटा जा रहा है, इसलिए बड़े पदाधिकारी और चुनाव आयोग से हमारी आग्रह है कि इस पर सोच विचार करके इस पर जांच की जाए।